तो हेलो गाइज, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी किसी भी फोटो में इस टाइप का मोशन ब्लर इफेक्ट डाल सकते हो, वो भी बिल्कुल आसान से स्टेप में। तो अगर आप सीखना चाहते हो ये वाला फोटो एडिटिंग, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। बिना किसी देरी के हम इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, मैं इस वाली फोटो में आपको मोशन ब्लर इफेक्ट डाल के बताने वाला हूँ। तो इसके लिए हम इस फोटो को यहाँ से शेयर कर लेते हैं अपने पिक्सआर्ट ऐप के अंदर। ठीक है गाइस, तो फोटो हमारी यहाँ पे आ चुकी। तो गाइस, फोटो को यहाँ पे लाने के बाद हम अपने बैकग्राउंड को बिल्कुल खाली करेंगे एंड यहाँ से हम अपने मॉडल को रिमूव करेंगे ताकि हम मोशन ब्लर इफेक्ट बिल्कुल परफेक्टली डाल सके। तो वो कैसे करना है, इसके लिए आपको चलना है टूल वाले ऑप्शन पे एंड यहाँ पे आपको ये रिमूव वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है एंड जिस भी चीज़ को आप बैकग्राउंड में से रिमूव करना चाहते हो उसके ऊपर आपको सिंपली इस टाइप से पेंट कर लेना है। तो मैं अपने पूरे फोटो के ऊपर इस टाइप से पेंट कर लेता हूँ एंड सिंपली आपको रिमूव पे क्लिक कर लेना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं इसने काफ़ी आसान सिस्टम में हमको रिमूव कर दिया है एंड ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन आपको इसी टाइप से करना है एंड यहाँ से राइट कर देना है। उसके बाद आपको मोशन ब्लर इफेक्ट डालने के लिए इफेक्ट पर जाना है एंड यहां से जो आपको मोशन ब्लर का इफेक्ट मिलेगा लास्ट में, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। तो गाइज, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इफेक्ट हमारी फोटो में आ चुका है एंड सिंपली आपको यहां से डन कर लेना है एंड इस बैकग्राउंड को आपको सिंपली यहां से सेव कर लेना है। एंड गाइज, आपको इसी फोटो को फिर से यहाँ पर ओपन कर लेना है एंड इसके बाद हम अपने फोटो का कटआउट निकालेंगे। तो इसके लिए आपको जाना है कटआउट पर एंड यहाँ से सिंपली हम पर्सन ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे एंड इसने हमारी फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया है। जो पार्ट बाकी रहा है उसको हम यहाँ से मैन्युअली सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ओके गाइस, मैंने अपने फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली राइट कर देंगे एंड इस फ़ोटो को भी यहाँ से सेव कर लेंगे हम एंड इस बैकग्राउंड को आपको ओपन कर लेना है। अब आपको जाना है एड फोटो पर एंड सिंपली अपनी फोटो को यहाँ पे ऐड कर लेना है एंड इसको पूरा इसके ऊपर लगा देना है इस टाइप से। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मोशन ब्लर इफेक्ट हमारी फोटो में आ चुका है एंड ये काफ़ी क्रिएटिव लग रहा है। तो सिंपली आपको इसको डन कर लेना है एंड गाइस, अब हम अपनी फोटो में कलर ग्रेडिंग करेंगे, तो वो भी सिर्फ एक क्लिक में करेंगे। तो उसके लिए चलते हैं हम लाइट रूम मोबाइल ऐप के अंदर। तो सिंपली इस फोटो को यहाँ से सेव कर लेते हैं एंड इसको शेयर करेंगे हम लाइट रूम मोबाइल ऐप के अंदर। तो गाइस, इस फोटो को हमने लाइट रूम मोबाइल ऐप के अंदर ओपन कर लिया है। यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली यहाँ से बैग हो जाना है एंड आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्रेसेट का लिंक मिलेगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो ये रहा वो प्रेसेट NSB पिक्चर्स का। तो इस प्रेसेट को आपको डाउनलोड कर लेना है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से कॉपी सेटिंग करेंगे एंड सिंपली अपनी फोटो को ओपन करेंगे एंड यहां से हम पेस्ट सेटिंग कर देंगे। तो बूम गाइज, आप देख सकते हैं हमने सिर्फ एक क्लिक में अपनी फोटो को एडिट कर लिया है एंड काफी अच्छी फोटो एंड काफी बॉम्ब फोटो हमारी बन चुकी है, आप देख सकते हैं। तो इस स्टेप से आप भी अपनी फोटो को बना सकते हो काफी आसान से स्टेप में। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना यार, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।